अस्सलामु अलैकुम। अबुल अब्बास अब्दुल्ला सफ़ाह 104 हिजरी में बमकाम हमीमा इलाके बिलका में पैदा हुआ। अब्दुल्ला सफ़ाह खुनरेजी सखावत हाजिर जवाबी तेज फहमी में मुमताज था। सफ़ाह ने अपनी चचा दाऊद को पहली कोफा की हुकूमत पर मामूर किया, फिर उसको हिजाज यमन और यमामा की अमारत पर मामूर किया और कोफा पर अपनी भतीजे हिसा बिन मोहम्मद को मुकर्रर किया। 133 हिजरी में दाऊद का इंतकाल हो गया तो सफ़ाह ने अपनी मामू यजीद बिन उबैदुल्लाह बिन अब्दुल मदान हारिसी को हिजाज यमामा और मोहम्मद बिन यजीद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मदान को यमन की गवर्नरी पर मामूर किया। 132 हिजरी में सुफियान बिन आइनिया को बसरा का आमिल बनाया गया। 133 हिजरी में उसको माजूल करके उसकी जगह अपनी चचा सलीमान बिन अली को सनद हुकूमत अता की और बहरीन व ओमान की इलाकी भी उसकी हुकूमत में शामिल कर दिए। 132 हिजरी में सफ़ाह का चचा इस्माइल बिन अली अहवस का दूसरा चचा अब्दुल्ला बिन अली शाम का अबू औन अब्दुल मलिक बिन यजीद मिस्र का अबू मुस्लिम खरासानी खरासान और जब्बाल का गवर्नर खालिद बिन बरमक दीवानुल खिराज यानी महकमे मालगुजारी का अफसर था। 133 हिजरी में अबू मुस्लिम ने अपनी तरफ से मोहम्मद बिन अशहस को पारिस का गवर्नर मुकम्मर करके रवाना किया। उसी जमाने में सफ़ाह ने अपनी चचा ऐसा बिन अली को फारिस की सनदी गवर्नरी देकर भेजा। मोहम्मद बिन अशहस पहले पहुंच चुका था। जब ऐसा बिन अली पहुंचा तो मोहम्मद बिन अशहस ने अवल उसको फारिस हुकूमत सपर्द करने से इनकार किया, फिर ये इकरार लेकर कि कभी मिंबर पर खुतबा ना देगा और जिहाद के सिवा कभी तलवार ना उठाएगा उसको फारिस की हुकूमत सपर्द कर दी, मगर हकीकतन खुद ही हाकिम रहा। जब मोहम्मद बिन अशहस फौत हो गया तो सफ़ाह ने अपने चचा इस्माइल बिन अली को फारिस की हुकूमत पर भेजा और मोहम्मद बिन सोल को मुअस्सल की हुकूमत पर भेजा। अहले मुअस्सल ने मोहम्मद बिन सोल को निकाल दिया। ये लोग बनु अब्बास से मुनखरिब थे। सफ़ाह ने नाराज होकर अपने भाई यहया बिन मोहम्मद बिन अली को 12,000 की जमीयत के साथ रवाना किया। यहया बिन मोहम्मद ने मुअस्सल पहुँच कर कसरे इमारत में कियाम किया और अहले मुअस्सल के 12 सरबर औरता आदमियों को धोखे से बुलाकर कत्ल कर दिया। अहले मुअस्सल में उससे सख्त इश्तियाल पैदा हो गया और वह जंग करने पर तैयार हो गई। यहया ने यह हालत देखकर मनादी करा दी कि जो शख्स जामे मस्जिद में चला आएगा उसको अमान दी जाएगी। ये सुनकर लोग जामे मस्जिद की तरफ दौड़ पड़े। जामे मस्जिद के दरवाजों पर यहया ने अपनी आदमियों को कड़ा कर रखा था। जामे मस्जिद के अंदर जाता था वो कत्ल कर दिया जाता था। उस तरह 11,000 आदमी कत्ल कर दिए गए। फिर शहर में कत्ले आम किया गया। रात हुई तो यहया के कान में उन औरतों की रोने की आवाज आई जिनके शोहर बाप और बेटे सुलमान कत्ल कर दिए गए थे। सुबह होती ही यहया ने हुक्म दिया कि औरतों और बच्चों को भी कत्ल कर दिया जाए। 3 रोज तक फौज को अहले शहर का खून मबाह कर दिया गया। उसी हुक्म को सुनती ही शहर में बड़ी शिद्दत से कत्ले आम जारी हो गए। यहया के लश्कर में 4,000 जंगी भी थे। जंगियों ने औरतों की असमत दरी में कोई दकीका प्रोगजिश ना किया। हजारहा औरतों को पकड़ पकड़ कर ले गई। 4वें रोज यहया घोड़े पर सवार होकर शहर की सैर के लिए निकला। एक औरत ने हिम्मत करके यहया की घोड़े की बाघ पकड़ ली और कहा कि क्या तुम बनू हाशिम नहीं हो? क्या तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के लड़के नहीं हो? क्या तुमको ये खबर नहीं को वो मुस्लिमात से जंगियों ने जबरन निकाह कर लिया है? यहया ने यह बात सुनकर उसका कुछ जवाब ना दिया और चला गया।
अगले दिन जंगियों को तनख्वाह तकसीम करने के बहाने से बुलाया। जब तमाम जंगी जमा हो गई तो सबको कत्ल करने का हुक्म दे दिया। सपाह को जब उन हालात की इतला हुई तो उसने इस्माइल बिन अली को मुअत्तल भेज दिया और यहया को फारिस की हुकूमत पर तब्दील कर दिया। 133 हिजरी में कैसर रूम ने अल्मितिया और कलीतलन मुसलमानों से बजोर शमशेर पत्ता कर लिए। उससे सुना यानी यजीद बिन उबैदुल्लाह बिन अब्दुल मदार ने मदीना से अब्राहिम बिन हबान ने सलमी को यमामा की तरफ फौज देकर रवाना किया। वह मसना बिन जैद बिन उमर बिन हबीरा अपने बाप के जमाने से हाकिम थे। उसने इब्राहिम का मुकाबला किया और मारा गया। उसी साल बुखारा में शरीक बिन शेख मेहरी ने अबू मुस्लिम के खिलाफ खुरूज किया और 30,000 से जायद लोग जमा कर लिए। अबू मुस्लिम ने ज़ियाद बिन सालेह हज़ाही को शरीक के मुकाबले पर रवाना किया। शरीक ने मुकाबला किया और मारा गया। अबू मुस्लिम ने ज़ुल्हज्जा 133 हिजरी में अबू दाऊद खालिद बिन इब्राहिम को मितल पर चढ़ाई करने के लिए रवाना किया। हबश बिन हबल बादशाह मितल को शिकस्त हुई और वह भागकर फिरगाना होता हुआ मुल्क चीन चला गया। उसी जमाने में अकनेड फिरगाना और शास के बादशाहों में लड़ाई हुई। बादशाह चीन ने उनके झगड़े में दखल देकर शाश व फिरगाना के बादशाहों के खिलाफ 100,000 फौज भेज दी। अबू मुस्लिम ने ज़ियाद बिन सालेह को उसी तरफ रवाना किया। चीनी फौज से ज़ियाद बिन सालेह का मुकाबला नहे तरास पर हो गया। 50,000 चीनी कत्ल हुए और 20,000 मुसलमानों ने गिरफ्तार कर लिए। 136 हिजरी में बसाम बिन इब्राहिम ने जो खरासान का एक नामवर सपहसालार था इल्मे बगावत बुलंद किया और मदियन पर काबिज हो गया। सपाह ने हाजिम बिन हजीमा को बसाम के मुकाबले पर रवाना किया। हाजिम ने बसाम को शिकस्त पाश दी और मैदानी जंग से भगा दिया। उसके बाद सपाह ने हाजिम को ओमान की तरफ हाजियों से लड़ने के लिए रवाना किया। वहां उसने हाजियों को शिकस्त देकर उनके सरदार को कत्ल कर दिया। उसी साल अबू दाऊद खालिद बिन इब्राहिम ने अहले कश पर फौज कशी की और कच के बादशाह को जो जमी था कत्ल कर डाला और उसके सर को अबू मुस्लिम के पास समरकंद में बेच दिया और मकतूल बादशाह के भाई तज़ान को तख्त नशीन करके बलख लौट आया। अबू मुस्लिम ने उसी जमाने में अहले साद और अहले बुखारा का कत्ल आम किया और बुखारा व समरकंद का हाकिम ज़ियाद बिन सालेह को बनाकर शहर समरकंद के शहर पनाह का बनाने का हुक्म देकर मुरुको वापस आए। अब्दुल्ला बिन माविया बिन जाफर के साथियों में से था। जब अब्दुल्ला बिन माविया को असहर के करीब दाऊद बिन यजीद बिन उमर और मान बिन जायद के मुकाबले में शिकस्त पाश हासिल हुई तो मंसूर बिन जमहूर सिंध की तरफ भागकर चला आया था और अब्दुल्ला बिन माविया हिरात पहुंचकर मालिक बिन हिस्म हज़ाही वाले हिरात के हाथ से अबू मुस्लिम के हुक्म के मुआफिक कत्ल हुए थे। सपाह ने अपने अफसर पुलिस मुसा बिन काब को सिंध की तरफ रवाना किया और उसकी जगह मुसेब बिन जुहैर को मुकर्र किया। मुसा और मनुन वाकियात के बाद सपाह के पास खबर पहुंची कि मंसूर बिन जमहूर ने सिंध में बगावत बहुत शकनी कियार की है। अब्दुल्ला बिन माविया बिन जाफर के साथ मुसा और मंसूर से सख्त सरहद हिंद पर मुकाबला हुआ। मंसूर के हमरा 12,000 फौज थी मगर मूसा से शिकस्त खाकर भागा और रेगिस्तान में शिदत तशकी से मर गया। मंसूर के गवर्नर ने जो सिंध में था यह सुनकर मा अहले व हयाल और अमवाल खर्च की तरफ कोच किया। उसी साल ज़िलहज्जा 134 हिजरी में सपाह मकाम अंबार में आया और उसी मकाम को दारुल खिलाफा बनाया। 135 हिजरी में ज़ियाद बिन सालेह ने जो अबू मुस्लिम की तरफ से समरकंद बुखारा का आमिल था बगावत इख्तियार की। अबू मुस्लिम यह सुनकर लू से रवाना हुआ और अबू दाऊद खालिद बिन इब्राहिम ने ज़ियाद की बगावत का हाल सुनकर नसर बिन राशिद को तरमिस की तरफ भेज दिया।
کہ ترمس کو زیاد کی دست سے بچائے۔ نصر بن راشد ترمس پہنچا ہی تھا کہ چند لوگوں نے تالکان سے نکل کر اس کو مار ڈالا، اور ابو داود نے یہ سن کر عیسیٰ بن حمان کو قاتلین نصر کے تعاقب پر مامور کیا۔ عیسیٰ نے قاتلین نصر کو قتل کیا۔ اسی اثنا میں ابو مسلم مقام امت میں پہنچ گیا، اس کے ساتھ صباح بن نعمان اسوی بیتا۔ صباح نے زیاد بن صالح اور سبع بن نعمان ازوی کو یہ سمجھ کر ابو مسلم کے پاس روانہ کیا تھا کہ اگر موقع ملے تو ابو مسلم کو قتل کر دینا۔ مقام امد میں پہنچ کر ابو مسلم کو کسی ذریعہ سے یہ خبر معلوم ہوئی، اس نے فوراً سبع کو امد میں قید کر دیا اور وہاں کے عامل کو یہ حکم دیا کہ سبع کو قتل کر دینا۔ امد سے ابو مسلم بخارا کی طرف روانہ ہوا، راستے میں اس کو زیاد بن صالح کے چند سپہ سالار ملے جو اس سے منخرف ہو کر ابو مسلم کی طرف آ رہے تھے۔ ابو مسلم کے بخارا پہنچنے پر ایک دہقان کے گھر میں جا چکا، دہقان نے اس کو قتل کر ڈالا اور ابو مسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ ابو مسلم نے قتل زیاد کی خبر ابو داود کو لکھ کر بھیجی۔ ابو داود مہم تلکان میں مصروف تھا، فارغ ہو کر کش واپس آیا اور عیسیٰ بن حمان کو بسام کی طرف روانہ کر دیا۔ تو ہمارے اگلے کیس کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔